प्रभु, गुरु दत्तात्रेय ने विंता माँ के सामने ऐसी अनोखी मांग क्यों रखी? विंता माँ तो खुद दासी है, वैसे पौष्टिक भोजन कहाँ से प्रबद्ध करेंगी? और इस समय तो गुरु भी उनके सहायता के लिए वहां नहीं है। दत्तात्रेय उस कुम्हार की तरह है जो मिट्टी के घड़े को सर्वोत्तम बनाने के लिए भीतर से अपना हाथ तो लगाता है पर बाहर से उस पर चोट भी मारता है। उनकी इस परीक्षा के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। क्षमा कर दीजिए प्रभु, अहंकार में आकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने मुझे समुद्र मंथन जैसे शुभ कार्य के लिए चुना, किंतु मैं अहंकारी हो गया और आपकी भक्ति के मार्ग से भटक गया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि हम भूल से शिक्षा ले ले तो वो भूल नहीं रहती, वरदान बन जाती है। गर्व प्रभु आपकी सेवा का एक और अवसर दे दीजिए मुझे। अवसर आपदा से उत्पन्न होता है और इस समय देवता और दानव दोनों ही एक अनोखी आपदा में फंस गए। कैसी आपदा प्रभु? तुम्हें क्या लगता है गरुड़, किसे वासुकी के मुंह की ओर होना चाहिए और किसे पूंछ की ओर? प्रभु मैं अधिक तो नहीं जानता, परंतु जितना मैंने देखा है समझा है, मुझे यही लगता है कि जो भी वासुकी भैया के मुंह की ओर होगा उसे दो गुनी समस्या का सामना करना होगा, दो गुना श्रम करना होगा। एक तो पहले से ही वासुकी भैया को खींचना बहुत ही कठिन है और ऊपर से उनके मुंह से विषैली फुकारें निकलेगी। असुर पूजा पाठ तपस्या अनुष्ठान अवश्य करते हैं, परंतु केवल अपने स्वार्थ के लिए, और देव स्वयं के साथ साथ समाज कल्याण का भी विचार करते हैं। इसीलिए न्याय तो यही होगा प्रभु, जो अच्छाई के साथ हो उनके साथ अच्छा हो और जो बुराई का समर्थन करे उनके साथ बुरा। मैं तुमसे सहमत हूं गरुड़, अब देवता और दानवों के साथ भी ऐसा ही हो, इसका दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। आज्ञा दीजिए प्रभु। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.